नागपुर में ट्रैफिक पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव की मुहिम फिर से शुरू कर दी है। दारू पीकर गाड़ी चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस अब शिकंजा कसने वाली है। कोविड प्रोटोकॉल होने से ब्रेथ एनालाइजर मशीन को डिसीज फ्री रखा गया है। इस मशीन की उपलब्धता होने पर ट्रैफिक पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव की मुहिम तेज की है। गए दो साल से कोरोना की वजह से पूरे महाराष्ट्र में ड्रंक एंड ड्राइविंग की कार्रवाई बनती, क्योंकि ब्रेथ एनालाइजर जब हम यूज करते हैं तो उसमें जो नोजल रहता है उसमें से इन्फेक्शन होने के चांसेस है, या तो डिजीज़ कोविड होने के चांसेस है, इसलिए बंद किया गया था। लेकिन डेढ़ महीने से हमने नागपुर सिटी में वो कार्रवाई शुरू की है। हर जोन पे कार्रवाई शुरू हो रही है और हमारी कार्रवाई अभी ड्रंक ड्राइविंग की रात को 9 बजे के बाद भी शुरू रहती है। सर, आफ्टर कोविड के बाद ये देखा गया कि जो ड्रंक ड्राइव की आप जो अभी कार्रवाई शुरू की है तो कुछ गैजेट्स कम थे, ऐसा ऐसा कहना यहाँ पे 26 गैजेट्स हैं, कुछ नया एडवांसमेंट आया है उसमें? नहीं, 26 गैजेट्स थे हमारे पास में, डिस्पोजेबल नॉजल्स हमने उसको लिए हैं, जिसके एक बार आप उसको चेक करेंगे या उसके एक बार यूज़ करेंगे तो उसे डिस्कार्ड किया जाता है। और हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि जहाँ पे जो जिसके टेस्ट कर रहे हैं ड्राइवर की, वही उसको लगाएगा, वही यूज़ करेगा और वही निकाल के डिस्कार्ड करेगा, उसके सामने डिस्कार्ड हो जाएगा, इसके लिए कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है। सर, आगे 2-3 दिन में VIP मूवमेंट्स होने वाली है, तो उस बारे में किस तरह का पुख्ता बंदोबस्त? काफ़ी VIP मूवमेंट्स होने वाली है नागपुर शहर में। जो रेगुलर बाकी VIPs है उसके अलावा इस बार में माननीय उपराष्ट्रपति भारत सरकार, माननीय उपमुख्यमंत्री, माननीय गृहमंत्री और माननीय राज्यपाल साहब आने वाले हैं। 28, 29 और 30 तीन दिन नागपुर में बहुत सारी जगह पे प्रोग्राम्स है, उसमें ये VIP के प्रेजेंस और VIPs की मूवमेंट होने वाली है। उसके लिए हमारे पुलिस आयुक्त माननीय अमितेश कुमार साहब के नेतृत्व में हमने पुख्ता बंदोबस्त सब जगह पे लगाया हुआ है। ये बंदोबस्त ज़्यादातर ट्रैफिक और रोड बंदोबस्त है। VIP मूवमेंट ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कोई भी VIP दौरे का, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं पूरे तरह से। 3 दिन के जो मूवमेंट है, कुछ जगह पे वो ओवरलैपिंग है, कुछ जगह पे थोड़े समय के अवधि में ही अप एंड डाउन मूवमेंट होने वाली है, लेकिन उसके लिए हम तैयार हैं। कल हमारी रिहर्सल होने वाली है बंदोबस्त के लिए, ट्रैफिक की भी, रोड बंदोबस्त की भी और बाकी जगह के भी। और कल शाम से माननीय राज्यपाल साहब और बाकी VIP आना शुरू हो जाएंगे। 29 तारीख को पूरा दिन भर माननीय उपराष्ट्रपति साहब का कार्यक्रम है और 30 तारीख बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।